दोस्तों आप सभी को पता है SSSC की अभी GD की जो है भर्ती लास्ट ठीक है चरण में है। ठीक है अभी रिजल्ट इसके बाद आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो अभी भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो आप ऊपर मैसेज देख रहे हो मेडिकल वेब पूरी भर्ती प्रक्रिया के अलग अलग चार्ज, तो दोस्तों ऐसे दलालों के काफ़ी मैसेज काफ़ी न्यूज़ आपके रिलेटेड आ रही है, मेरे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कुछ। ठीक है आपने यूट्यूब पर वीडियो भी ऑडियो सुनी होगी इसकी कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपके नंबर कम है, मैं नंबर डलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है अपनी मेहनत से आप होंगे, जिस बंदे ने मेहनत की है भाई आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे। आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप क्यों पैसे दोगे बताओ ना मेरे भाई, पैसे क्या देने को, पैसे क्या पेड़ पर रखते हैं भाई। अगर आपके पास इतने पैसे थे तो दोस्तों क्यों जा रहे हो, आप क्यों जॉब करना चाहते हो भाई, अपना काम करो खुद का। आप देश सेवा करना चाहते हो वो भी रिश्वत दे के, तो वहाँ जाके क्या करोगे यार। तो भाई मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कोई भी बंदा रिश्वत दे कर ना जॉब ले भाई, अपनी मेहनत के बल पे ले। जैसे देख अभी न्यूज़ आई थी अमर उजाला, हाँ अमर उजाला में आज मैंने पढ़ी। ठीक है तो मैंने सोचा चलो इसके रिलेटेड आपको बता देता हूँ। एक दलाल था जो 60,000 मेडिकल के लिए और 2 से 2.5 लाख पूरे फिजिकल सब कुछ के लिए लेता था। ठीक है दोस्तों तो भाई बिल्कुल दलालों से सावधान रहिए। ठीक है दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी के रिलेटेड। भाई बहुत वीडियो मैंने देख ली भाई, फाइनली मुझे फिर बनानी पड़ी इसके रिलेटेड कि इसका पूरा चक्कर है क्या। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की गई केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती का परीक्षा परिणाम जल्द आने का अनुमान है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल परीक्षण के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कर्मचारी चयन आयोग इन दिनों। ठीक है मान लो जैसे आपका ये तो कन्फर्म है, जैसे आपका मेडिकल जो री मेडिकल बच्चों का चल रहा है कन्फर्म खत्म होता है आपके विदिन 15 से 20 दिन मैक्सिमम 25 दिन मान के चलो आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन जो रहा उसमें जो बच्चे मतलब जो ऑफिस में जा रहे थे बंदे उन्होंने आपका थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, जिनका मेडिकल पास था। अभी री मेडिकल में था 30 से 40 हज़ार बच्चे तो उनका ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो दोस्तों ठीक है आपका रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं भाई, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है अब बात रही दूसरी आपकी वैकेंसी के रिलेटेड, तो वो भी जो है बता रहे हैं कि 70,000 आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है भाई। तो भाई उसके बारे में बताते हैं क्या रियलिटी है, लेकिन उससे पहले हम नोटिस आपको पढ़ के बताते हैं उसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ। आपने काफ़ी बार देखा लेकिन भाई एक बार फिर आगे हम बात करेंगे क्या चक्कर है। ठीक है तो जैसे आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल परीक्षा ठीक है, उसके अलावा CGL CHL JEE और जूनियर हिंदी ट्रांसलेट परीक्षा का परिणाम मतलब जितनी जल्दी हो सके उनको अनाउंस करने के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए SSC तैयार है। ठीक है जी ऑफिशियल आया हुआ है और लगभग इसमें 90,000 को रोज़गार दिया जाएगा इन चारों में। ठीक है इसके अलावा इन्होंने सिंपल बताया देखो इस भर्ती से ही लगभग 70,000 बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी यानी SSC के, उन्होंने लगभग बताया हुआ है एग्जैक्टली थोड़ी बताया हुआ है। वही 60,000 ही भी आप मान के चलो, आप 10,000 एक्स्ट्रा मत आपके माइंड में यार होगा कि 10,000, लेकिन भाई हम तो चाहते हैं कि सभी की बंदों की ज्वाइनिंग हो, जिन जिन बंदों का मेडिकल पास होता है उन सभी को ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ऐसे मेडिकल कवर हो से 2-3 दिन की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए भाई, हम तो चाहते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रोसीजर होता है, कोई रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी, ऐसे तो कुछ नहीं भाई चलेगा, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा। हम सभी मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी भाइयों की सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कई बंदों की जो है एज जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब वो नेक्स्ट भर्ती नहीं देख सकते दोस्तों। तो मैं तो स्पेशली कहता हूँ जिन भाइयों की एज हो चुकी है ना उनको भाई डेफिनेट इसमें पूरा चांस दे देना चाहिए और उनकी ज्वाइनिंग डेफिनेट करवानी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों तो ये थी वीडियो भाई, और काफ़ी आपने वीडियोस के रिलेटेड मुझे पता आप देख देख के आप भी थक चुके होंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी भाई मैंने सोचा चलो मैं भी बता देता हूँ आपको तो इसके बारे में नॉलेज क्या है, इसकी रियलिटी क्या है दोस्तों। तो लास्ट में फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों दलालों से सावधान रहें दोस्तों जितना हो सके भाई मेरे। जय हिंद।